हेलो फ्रेंड्स, रिंकी की रसोई ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंघाड़े की सब्जी। सिंघाड़े की सब्जी बनाने के लिए सिंघाड़ों को अच्छी प्रकार से छिलकर उसको साफ कर लेंगे। ये बहुत आसानी से और आराम से छिलके इसके उतर जाते हैं। इसी प्रकार से सारे सिंघाड़ों को हम साफ कर लेंगे। हमने सिंघाड़ों को छीलकर उसे साफ करके धोकर रख लिया है। अदरक लहसुन खड़े मसाले लाल मिर्च आदि का पेस्ट हमने पीसकर तैयार कर लिया है। हरे धनिया और लहसुन चार प्याज को काट लिया है। दो टमाटर को टुकड़ों में काट लिया है। हम एक आलू का इस्तेमाल इसमें करेंगे। सिंघाड़े की सब्जी बनाने के लिए हम सिंघाड़ों को अच्छी प्रकार से फ्राई करेंगे तेल में। उसके लिए फ्राई पैन में तेल डालेंगे और सिंघाड़ों को अच्छी प्रकार से फ्राई करेंगे। हमें मीडियम फ्लेम पर सिंघाड़ों और आलू को अच्छी प्रकार से फ्राई करना है। हमें चलाते हुए सिंघाड़ों को अच्छी प्रकार से फ्राई करना है। सिंघाड़े फ्राई हो चुके हैं। हम तड़के में लहसुन तेज पत्ते को डालेंगे, उसमें प्याज को डालकर उसे भूनेंगे। प्याज को गलने के लिए हम एक चम्मच नमक का इस्तेमाल करेंगे। प्याज में नमक डाल देने से प्याज जल्दी से गल जाती है। प्याज गल चुकी है, अब इसमें टमाटर डाल देंगे। प्याज के साथ साथ हम टमाटर को अच्छी प्रकार से गलाएंगे। टमाटर गल चुकी है, अब हम पीसे हुए पेस्ट को इसमें डाल देंगे। चलाते हुए इसे भी हम भून लेंगे। मसाला भून चुका है, अब उसमें गरम मसाले डालेंगे। अब इसमें सिंघाड़े डालकर भूनेंगे। चलाते हुए मसालों में सिंघाड़े को 2 मिनट तक हम भूनेंगे।
ये भून चुकी है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। सब्जी को हम ग्रेवी वाला बनाएंगे। सिंघाड़े और आलू दोनों फ्राई होते टाइम ही पक चुके हैं, इसलिए हम पानी कम ही डालेंगे। पाँच मिनट के लिए इसे हम ढककर पकाएंगे। सब्जी तैयार हो गई है, अब हम इसमें हरे धनिया से सजा कर सर्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।